हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू हॉल वीडियो। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मीशो का हॉल जो मैंने दिवाली डेकोरेशंस के लिए मंगाई है। कुछ चीजें साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कुछ चीजें जो मैंने DIY के स्टोर से खरीदी हैं। तो जो चीजें मैंने स्टोर से खरीदी हैं उनके लिंक्स मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी, बट यस, जो मैंने मीशो से मंगाया उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा पहला मीशो प्रोडक्ट जो कि है डाइनिंग टेबल का रनर। ये मैंने मंगाया अपनी डाइनिंग टेबल के लिए और ये बहुत ही बिग साइज का रनर है। आप देख सकते हो मेरे बेड के पूरे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आ रहा है और डाइनिंग टेबल पे भी ये साइड में थोड़ा थोड़ा लटकेगा, उस हिसाब से ये है। तो काफी क्यूट सा ये रनर मुझे लगा। सेकंड जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया है वो है ये स्क्वायर मिरर्स। तो आजकल ये बड़े ट्रेंड में है, लोग अच्छे अच्छे पैटर्न्स बना रहे हैं अपने घरों में। तो मैंने भी ये मिरर्स कुछ ऐसा ही सोच के मंगाए थे अपनी डाइनिंग टेबल के पीछे वाली वॉल के लिए। तो यहाँ पे मैं लगा के देख रही हूँ कैसे लगेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगाए हैं, एक पैटर्न बनाया है। तो ये 24 मिरर का सेट मुझे मिला था। तो इसमें पीछे स्टिकर अपने आप से रहता है, आपको जस्ट वो रिमूव करना है और पेस्ट करना है। तो पहले ही आप अपना आइडिया लगा लीजिए कि आपको किस तरह का पैटर्न बनाना है। तो मैंने अपनी डाइनिंग टेबल पर रख के एक बार ही देख लिया था कि मुझे क्या पैटर्न चाहिए और बस उसी हिसाब से मैं यहाँ पे पेस्ट करती गई अपनी वॉल पे। और ये 24 मिरर से मैंने ये पैटर्न बनाया है। और जब आप उसको चिपका लें उसके बाद आप मिरर के ऊपर का ये पन्नी एक तरह का होता है उसको आप रिमूव करें तो आपको एकदम शाइनिंग मिरर नीचे देखने को मिलेगा। ऊपर से तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक की कोई चीज आ गई है, बट यस, जब आप इस पे से ये पन्नी रिमूव करेंगे तो एकदम मिरर इफेक्ट आपको दिखेगा। और डाइनिंग टेबल के पीछे वाली वॉल अगर आपके यहाँ है तो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग एक बार ये मिरर्स जरूर लगा के देखिए। एक मिरर इफेक्ट क्रिएट होता है और रूम थोड़ा बड़ा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये इस पैटर्न से लगाए हैं और साथ में बटरफ्लाईज भी लगा दी है बीच में थोड़ा सा लुक क्रिएट करने के लिए। और इस तरीके की ये मैंने ग्रीन कलर की एक टाइल ग्रास आती है, आर्टिफिशियल टाइल ग्रास होती है, ये मैंने लगा दी है। ये टाइल ग्रास मैंने IKEA से परचेज करी थी, ये पहले मेरे दूसरे रूम में लगी हुई थी बट यहाँ पे मैंने लगा दी है फिलहाल के लिए। एंड आई एम लविंग दिस वॉल, बहुत ही प्यारी लग रही है। आई डोंट नो कैमरा इसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, बट यस, दीज आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। जो मेरा थर्ड प्रोडक्ट है वो है ये धूपदानी। तो ये भी आजकल बहुत आप लोग इंस्टा रील्स में देख रहे होंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही सही प्रोडक्ट लगा मुझे इसमें। आप बस अपनी धूप बत्ती को जला के इस तरीके से रख दीजिए और इसको ऊपर से ढक दीजिए तो ऊपर इसमें सब में छेद बने हुए हैं तो उसमें से आपका ये जो धुआं होता है ये इस तरीके से निकलता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी और वैसे भी। तो यस, ये था मेरा धूपदानी। तो यस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी मीशो का प्रोडक्ट है और वो है ये डांसिंग डॉल्स के एक फ्रेम आप कह लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये ओवल शेप में इस तरीके से डांसिंग डॉल्स के ये तीन का सेट मैंने मंगवाया था अपने बेडरूम की वॉल के लिए। पीछे इसमें स्टिकर आता है, आप उसको रिमूव करिए और जस्ट पेस्ट कर दीजिए जहाँ पे भी आपको लगाना है। तो ये मैंने अपने मास्टर बेडरूम की वॉल पे लगाया है मेरे बेड के पीछे वाली साइड पे। तो इस तरीके से ये कुछ लग रहा है दूर से। तो यस, ये भी मैंने लगा दिया है। एक और फ्रेम का मैंने सेट मंगाया था तो उस पे कुछ कोड्स लिखे हुए हैं, वो अभी तक मैंने कहीं नहीं लगाया है। ये भी काफी अच्छे हैं, एक पे लिखा है सोक, एक पे अनवाइंड, एक पे ब्रीद, एक पे रिलैक्स। तो ये भी काफी अच्छे फ्रेम्स हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये स्टिकर। ये भी आपने देखा होगा आजकल लोग अपने वॉल पे लगा रहे हैं। तो ये इस शेप का स्टिकर है। और साथ में मैंने मंगाया था एक और मीशो का प्रोडक्ट जो कि है हमारे MDF वुड के जो आते हैं ना कोटेशंस इस टाइप के। तो ये मैंने होम वाला मंगाया था और होम के साथ मुझे यहाँ पे एक लव का भी मिला था। तो ये मुझे मिला था तो इससे और उस स्टिकर से जो मैंने अभी आपको दिखाया उससे मैं एक लुक क्रिएट करने वाली हूँ अपनी इस वॉल पे। तो यहाँ पे ये जो स्टिकर है इसको लगाना काफी डिफिकल्ट रहा जो कि मुझे लग नहीं रहा था। मुझे लगा था जस्ट सिंपली मैं उसका स्टिकर पीछे से रिमूव करूंगी एंड वो लग जाएगा, बट यस, क्योंकि ये यू शेप का है तो जब आप उसके यू टर्न पे आते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है वहां से स्टिकर को हटाने में। तो मेक श्योर जब आप इसको लगाएं तो थोड़ा सा सावधानी बरतें क्योंकि ये खराब भी हो सकता है। ऑल्दो मेरा खराब नहीं हुआ बट यस, मुझे लगाने के बाद रियलाइज हुआ कि मैंने उसको थोड़ा सा टेढ़ा लगा दिया है। तो यू शेप वाले में आइडिया मुझे नहीं लगा कि मैंने स्टार्टिंग ही उसकी गलत कर दी थी। दोनों साइड की जो यू का जो दोनों एंड्स है ना वो आपको एक साथ ऊपर लगाने हैं तब आप स्टिकर को रिमूव करिए। मैंने एक साइड से स्टार्ट करके यू प्रॉपर बनाने की कोशिश करी जिस चक्कर में मेरा वो टेढ़ा हो गया। तो ऑल्दो लगने के बाद लग तो प्यारा रहा था बट यस, मुझे वही लग रहा था कि अगर सीधा लग जाता तो ज्यादा अच्छा लगता। बट एनीवेज, हम गलतियों से ही सीखते हैं। बट ओवरऑल मुझे लुक अच्छा ही लग रहा है। तो यहाँ पे जो मेरे होम वाले MDF वुड के आए थे वो भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी ताकि मेरा ये जो टेढ़ा स्टिकर लगा है ये थोड़ा सा छुप जाए और वो स्पेस भरी भरी लगे। तो ये होम का मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया है और नीचे मैं लव वाला भी पेस्ट कर दूंगी। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से मेरी वॉल लग रही है। आई थिंक आपको पता लग रहा होगा कि वो स्टिकर टेढ़ा लग गया है। तो ये मेरी वॉल तैयार हो गई है और जितनी भी बॉटल्स आप देख रहे हो सारे बॉटल आर्ट मैंने किए हैं।
चैनल पे आपको उनके वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि एक सनफ्लावर शेप का मिरर है, क्यूट सा। इसमें पीछे ये हुक दिया हुआ है हैंग करने के लिए। तो ये भी मैंने अपने हॉल की एक वॉल पे हैंग किया है, कुछ इस तरीके से वो लग रहा है। और आई एम लविंग दिस ऑल्सो। ऑल्दो जब आया था तो मुझे लगा छोटा है, बट यस मैंने इस तरीके से उसे लगा दिया है कि वो क्यूट ही लग रहा है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मेटल के ये लीफ वाले फ्रेम्स। तो ये भी आजकल बहुत चल रहे हैं, अलग अलग पैटर्न में आ रहे हैं। तो मैंने ये लीफ वाला मंगाया था अपनी वॉल के लिए, क्योंकि मेरी वॉल व्हाइट है और मुझे कुछ कलरफुल सा चाहिए था, स्लीक सा। तो ये फ्रेम्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं एंड दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ दिस वॉल। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दीज हुक्स। तो ये हुक्स काफी अच्छे लगे मुझे और इनकी पकड़ भी काफी मजबूत है, और सिंस ये ट्रांसपेरेंट है तो इतना ऑड भी नहीं लगता। जस्ट आपको इस तरीके से इसके पीछे की स्टिकर को इस तरीके से रिमूव करना है, और जहां पे भी आपको लगाना है आप उसको पेस्ट कर दीजिए और बहुत अच्छे से उसको एक बार दबा दीजिए चारों तरफ से, एंड यू आर गुड टू गो। तो यहाँ पे मुझे शुभ लाभ वाला अपना वो एक एंट्रेंस पे जो मेरा पहले लगा हुआ था वो लगाना था, तो यहाँ पे मैंने ये दो हुक्स लगा दी हैं, बहुत अच्छे से उनको पेस्ट कर दिया है और बस अपना शुभ लाभ मैं यहाँ पे हैंग कर दूंगी। तो यही थे मेरे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने मीशो से मंगाए थे। अब हम मूव करते हैं अपने DIY स्टोर प्रोडक्ट्स पे। तो मिस्टर DIY के स्टोर से मैंने लिए हैं कुछ प्रोडक्ट्स, जिसमें सबसे पहला है ये फ्रेम, लव का फ्रेम है। मेरे पास एक फोटो है ये ब्लैक एंड व्हाइट अपनी और पीके जी की जो मुझे लगानी थी, तो ये फ्रेम मुझे काफी सही लगा इस फोटो को लगाने के लिए एंड आई एम लविंग दिस। तो आप लोग बताना ये फ्रेम कैसा लग रहा है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दीज ब्यूटी ब्लेंडर्स। तो ये भी DIY में मुझे मिले, आई गेस कुछ 59 रुपीस का ये था। इसमें तीन ब्यूटी पैड्स थे, दो ब्लश लगाने के लिए थे और एक ब्यूटी ब्लेंडर था छोटा सा। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ब्लैक बोर्ड छोटा सा, ये भी बहुत ट्रेंड में है आजकल और ये अलग अलग शेप्स में भी आ रहा है, पेयर शेप, एप्पल शेप। तो मुझे ये रेक्टेंगुलर सा क्यूट सा लगा। आप चाहे तो इसे अपने किचन में लगा लें मेन्यू ऑफ द डे लिख के, चाहे तो बच्चों की टेबल पे लगा दें टास्क ऑफ द डे लिख के, या आप कहीं पे भी अपने घर में हॉल में कुछ भी थॉट ऑफ द डे लिख के या कोई कोटेशन लिख के भी रख सकते हैं। तो काफी क्यूट सा लगा मुझे ये ब्लैक बोर्ड वाला ट्रेंड। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दीज फ्रेम्स। ये तीन के सेट में है, पिंक, ब्लू एंड ब्लैक। ये भी बहुत ही डिफरेंट से और रॉयल से मुझे लगे, आई डोंट नो व्हाई। ये भी DIY में मैंने देखे एंड जस्ट मुझे लगा कि हाँ ठीक है मैं इसको वॉल पे यूज कर लूंगी, और मैंने अपने सेकंड रूम की वॉल पे बेड के जस्ट पीछे इन तीनों फ्रेम्स को लगा दिया। और आप लोग बताना कैसा लग रहा है। ऑल्दो जब मैं लाई थी तो मुझे लग रहा था बहुत अच्छा लगेगा, बट लगाने के बाद मुझे कुछ छोटे लग रहे हैं, बट एनीवेज फिलहाल के लिए मैंने लगा दिए हैं कि ठीक है मैं लाई हूं तो लगा देती, बट आप लोग मुझे बताना है कैसे लग रहे हैं। तो यही थी मेरी कुछ शॉपिंग दिवाली डेकोरेशंस को लेके। आप लोग बताना आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।